एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी। आए दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन इज इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। ठीक है, इसमें आपको गिवन क्या है कि ए बी सी एक जो है ट्राइंगल है और ए बी सी इसके इंटीरियर एंगल हैं ए बी सी ट्राइंगल के, इसकी हेल्प से आपको साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमको बस ए बी सी ट्राइंगल गिवेन है, बाकी कुछ भी गिवेन नहीं है, और ये जो गिवेन है ये तो हमको ये साइन बी प्लस सी अपॉन टू ये तो हमको प्रूफ करना है। ठीक है, इट मीन्स हमको केवल ये ए बी सी ट्राइंगल ही गिवेन है जो कि आपका ए बी सी उसके इंटीरियर एंगल है, बाकी हमको कुछ भी गिवेन नहीं है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो हमको जो भी ये प्रूफ करना है वो उसी की हेल्प से प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल होते हैं उनमें एक ही रिलेशन होता है, वो आपका क्या होता है कि उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 होता है, इसलिए इसमें आपका एक वर्ड और गिवन है इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है, इसके अलावा हमको किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स के लिए कोई भी रिलेशन नहीं पता है, तो यही आपका गिवन है, बस इसी की हेल्प से हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसमें आपका बस एक ही चीज़ गिवन है इंटीरियर एंगल्स ए बी सी, तो इसी की हेल्प से हमको प्रूफ करना पड़ेगा, और इंटीरियर एंगल्स का केवल एक ही आपका रिलेशन है वेल नोन कि ए, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में आपका क्या है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। यहाँ पे देखिए मैंने एंगल का साइन नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि उसमें ये ऑलरेडी गिवन है कि ए बी सी जो है उसके एंगल हैं, तो ये एक्चुअल में एंगल्स की वैल्यू हैं ए बी और सी। ठीक है, तो मैंने ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट 180 के इक्वल लगाया, मैंने यहाँ पे एंगल की वैल्यू एंगल का साइन नहीं लगाया। ठीक है, अब हमको जो प्रूफ क्या करना है उस पर हमको फोकस करना पड़ेगा, मैं आप उसको साइड से लिखता हूँ साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए बी और सी एक साइड पे हैं, बाकी जो ए है वो अनदर साइड पे। ठीक है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे बी और सी को तो एक साइड रहने देंगे, बाकी इस ए को यहाँ से हम हटा देंगे क्योंकि हमको केवल बी और सी एक साथ रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी प्लस सी इजिकल टू, ये ए साइड पे पहुँच कर आपका हो जाएगा 180 माइनस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके नीचे टू है और यहाँ भी टू है, तो ये टू आपका कैसे आ सकता है यहाँ पे डिवाइड करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड टू से डिवाइड करेंगे, तो हम लिख देते हैं ऑन डिवाइडिंग बाय टू इन बोथ साइड। ठीक है, हम बोथ साइड क्या कर रहे हैं टू से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन टू इजिकल टू हो जाएगा 180 माइनस ए अपॉन टू। ठीक है, देखो यहाँ पे तो हमको बी प्लस सी अपॉन टू मिल चुका है ये वाले साइड। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और यहाँ हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बी प्लस सी अपॉन टू ही लिखा रहने देंगे, इसमें हम टू को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 180 अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू। 180 अपॉन टू आपका क्या होता है 90 माइनस ए अपॉन टू हो गया, और ये आपका क्या हो गया बी प्लस सी अपॉन टू। नाउ आप यहाँ फोकस कीजिए, यहाँ पे आपका साइन है, ये आपका बाद में देखा जाएगा, यहाँ पे आपका क्या है साइन है, तो इसका मतलब है हमको यहाँ पे कैसे भी साइन लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम बोथ साइड पे साइन लगा देंगे बी प्लस सी यहाँ पे साइन, और ये आपका हम इसको ब्रेकेट में क्लोज कर देंगे, सेम यहाँ भी साइन। ठीक है, 90 माइनस ए अपॉन टी, एक्चुअली यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं बोथ साइड पे, हम इन दोनों एंगल्स का साइन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना ऑन मल्टीप्लाइंग साइन ए बोथ साइड, एक्चुअल में यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम बोथ एंगल्स के लिए साइन ले रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका साइन हमको लाना था, साइन आ चुका है, तो ये वाली साइड तो हमारी आ गई, हमको बस ये वाली साइड और लेके आना। ठीक है, तो इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे साइन बी प्लस सी अपॉन टू,
और ये साइन 90 माइनस ए अपॉन टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह क्या है ए अपॉन टू है, तो आपके क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन टू, तो साइन 90 माइनस ए अपॉन टू आपका क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन टू, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, नाउ ई वाला क्वेश्चन आपका कई तरीके से आ जाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट तो आपको ये गिवन ही है, बाकी आपका एक इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो भी आपके इस साइड पे होंगे उनमें हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन होगा, जैसे साइन का कॉस के साथ है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू साइन ए अपॉन टू, क्योंकि कॉस और साइन का भी कॉम्प्लीमेंट्री का है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, बाकी वो एंगल्स को भी चेंज कर देता है, जैसे यहाँ पे आपका बी प्लस सी इस साइड पे है, वो हो सकता है आपको ऐसे दे दे साइन ए प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस बी अपॉन टू, तो यहाँ पे आपको क्या करना है ए प्लस सी एक साथ है, तो आपको ए और सी को तो एक साथ लिखना है, बाकी बी को साइड पे लेके आना, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ ए प्लस सी हो जाएगा, बाकी वो ऐसे भी लिख सकता है साइन ए प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू कॉस सी अपॉन टू, तो सेम इसमें ए प्लस बी को एक साथ लिखाना है, सी को दूसरी साइड पे लेके जाना है। ठीक है, ये तो हो गया केवल साइन और कॉस के लिए, सेम आपका वो किस किस का कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन होता है टेन का और कॉट का, तो वो आपको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता है टेन ए प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू कॉट सी अपॉन टू, या यहाँ पे कॉट दे देगा, यहाँ पे टेन दे देगा, बाकी आपका सेक और कॉसेक का भी है, तो सेक बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉसेक ए अपॉन टू, ऐसे भी दे सकता है, यहाँ पे आपका हो सकता है कॉस लिख दे और यहाँ पे आपका सेक, तो ये इतने सारे क्वेश्चंस बने फर्स्ट वन टू थ्री, और इनको चेंज करके फाइव और सिक्स, और इसको चेंज करके सेवन, बाकी आपस में एंगल्स को चेंज करके कि ए प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस सी। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन क्या हैं, सब एक ही जैसे हैं, सेम ऐसे ही होंगे, यहाँ पे आपका साइन था इस साइड पे तो हमने साइन लिया, अगर आपका इस साइड पे ऐसे ही कॉस होता तो हम यहाँ पे आपका कॉस लेते। ठीक है, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, अगर आपका ये टेन होता इस साइड पे तो हम यहाँ टेन लेते, अगर साइड पे आपका कॉट होता तो हम यहाँ पे कॉट लेते, यहाँ पे आपका सेक है तो हम सेक लेंगे बोथ साइड का, यहाँ पे आपका कॉसेक होता तो हम कॉसेक लेते, जो हमको लेना है लास्ट में वो हमको जो आपके दो टू एंगल्स प्लस में उस साइड के अकॉर्डिंग लेना है, ऐसे इसमें प्लस में बी प्लस सी है तो यहाँ साइन है, यहाँ पे बी प्लस सी यहाँ पे कॉस है, यहाँ ए प्लस बी यहाँ पे टेन है, यहाँ पे बी प्लस सी यहाँ पे सेक है, तो हमको उस साइड पे फोकस करना है जहाँ पे आपके टू एंगल्स प्लस में है, जहाँ पे आपका सिंगल एंगल नहीं है उसको हमको फोकस नहीं करना, वो आपका लास्ट में 90 माइनस थीटा से आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके क्वेश्चन सेम ऐसे ही होंगे।